हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने इस स्पेशल टॉपिक में ऐसे व्यक्तियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने देश का नेतृत्व करते हुए या तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने देश का नेतृत्व किया हुआ है। इस टॉपिक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हाल ही में बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद यहां पर बांग्लादेश का नेतृत्व एक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को दिया गया है। तो इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे देश और दुनिया में कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ अपने देश का नेतृत्व करने का भी मौका मिला है। इसी के बाद हम ऐसे व्यक्तियों की बात भी करेंगे जो भारतीय हैं और जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में आप पाएंगे जो यहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, इन्हें हाल ही में बांग्लादेश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। घटनाक्रम क्या है ये हम अपनी क्लास में कई बार बात कर चुके हैं ना। तो मोहम्मद यूनुस की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म चटगांव में 1940 में हुआ, 1940 में हुआ। 1969 में यह अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में वेंडरबिल्ट एक यूनिवर्सिटी है, यहां से ये अर्थव्यवस्था के पीएचडी अर्थव्यवस्था में पीएचडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर बांग्लादेश पाकिस्तान, जब बांग्ला पहले क्या था, 1947 तक पूरा एक क्षेत्र था बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत। 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र बनते हैं जिसमें पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिलते हैं, एक बांग्लादेश वाला जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, एक वर्तमान जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में हमने क्या किया, हमने बांग्लादेश वाले क्षेत्र को जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता इसे स्वतंत्र किया और बांग्लादेश के तौर पर उसे स्थापित किया। जब यहां पर नए नए राष्ट्र का निर्माण हुआ तो इसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। निम्न आय, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसी समय क्या होगा, इसी समय मोहम्मद यूनुस अमेरिका से लौट के आएंगे कहां पर, अपने देश यानी कि बांग्लादेश में, और कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, कई सारे आर्थिक सुधार करेंगे। जैसे ही ये लौट के आते हैं बांग्लादेश, वैसे ही आप देखेंगे यहां पर चटगांव विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रमुख के रूप में, हेड के रूप में ये कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर यहां पर अर्थशास्त्र के ही ये पीएचडी तो थी इनकी, अच्छी खासी इकोनॉमी में इनकी समझ थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बांग्लादेश की छोटे छोटे जो व्यवसायी थे इन लोगों को माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार के साथ में इन्होंने चर्चा की कि जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी है इन्हें माइक्रो फाइनेंस प्रदान किया जाए, ठीक। इसी माइक्रो फाइनेंस के द्वारा यहां पर क्या किया गया, इसी माइक्रो फाइनेंस के द्वारा इन छोटे छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया गया। ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस स्थापित किया गया ये किसी बैंक के द्वारा नहीं बल्कि कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रदान किए गए थे, ठीक। अब यहां पर ये जो व्यवस्था इनके द्वारा की गई काफी लोकप्रिय हुई और आगे जाकर 1983 में इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की जो एक माइक्रो फाइनेंस को प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए बैंक थे। अब यहां पर आपको समझना यह है, ये जो माइक्रो फाइनेंस की स्थापना की गई थी, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ये इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी, वर्तमान में 100 से अधिक देश माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंकों के मॉडल को अपना रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है, ठीक। अब देखिए बांग्लादेश में इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो लोन बांटा गया उसके बारे में कहा गया कि 10 मिलियन लोगों को कुल मिलाकर 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया और इससे यहां पर इकोनॉमी सुधार में काफी योगदान मिला। और जो ऋण दिया गया था उसमें से 97% ऋण की रिकवरी भी हुई है, ऐसा नहीं डूब गया हो, रिकवरी भी हुई है, ठीक है। अब देखो इसी माइक्रो फाइनेंस मॉडल को वर्तमान में 100 से अधिक देशों ने अपनाया है और इसी व्यवस्था को विकसित करने के लिए बांग्लादेश के आर्थिक सुधार और सामाजिक सुधार को करने के लिए 2006 में मोहम्मद यूनिस जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
हाल ही में बांग्लादेश का इन्होंने नेतृत्व करना प्रारंभ किया है, हो सकता है एग्जाम पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें। आगे आएंगे अगले जो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये थे आपके लिस्टर बी पियर्सन। ये कनाडा के यहां पर प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके समय काल की बात करते हैं 1897 से लेकर 1972 तक इनका समय काल है, और वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर 1963 से 1968 के बीच में इन्होंने कार्यभार संभाला था। इन्हें भी नोबेल के शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इन्होंने ऐसा काम क्या किया था, तो 1957 में सुएज नहर संकट उत्पन्न हुआ था। जो इजिप्ट है आपका, यहां पर आपको एक कैनाल देखने को मिलेगी जिसे सुएज कैनाल के नाम से जाना जाता है, जिससे हम हिंद महासागर से सीधे सीधे यूरोप को जोड़ सकते हैं। पूरा आपको अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, समय और संसाधन की बचत होती है। तो 1957 में हुआ क्या, यहां पर एक वर्ष पहले आपको समझना होगा, यानी 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति थे, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे गलाब अब्देला नासिर, इनके द्वारा नहर का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी गई। इन्होंने कहा कि हम नहर का राष्ट्रीयकरण करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि 1956 से पहले ये जो सुएज कैनाल हुआ करती थी इसके ऊपर फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियों का अधिकार था, लेकिन यहां पर इसका पूरा लाभ ब्रिटेन और फ्रांस को मिल रहा था। इसीलिए यहां पर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, इन्होंने 26 जुलाई 1956 को इस नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। अब जब यहां पर राष्ट्रीयकरण की घोषणा की जाती है तो कई सारे देश इससे तनाव में आ जाते हैं, कहते हैं कि अब इजिप्ट इसके ऊपर शासन करेगा तो वो अपने हिसाब से इसे मेंटेन करेगा, हमें आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो विश्व स्तर पर एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन यहां पर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ने अपनी अपनी सेनाओं को इस नहर की तरफ भेज दिया। मुख्यतः तीन देशों ने भेजा था, जिसमें फ्रांस था, ब्रिटेन थे और इजराइल था। अब यहां पर एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसी में एंट्री होती है आपके कनाडा के प्रधानमंत्री की पियर्सन जी की। इन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया, और संयुक्त राष्ट्र में जब ये इस मुद्दे को लेके गए तो इन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जो युद्ध का मैदान बनने वाला है, यहां पर यूनाइटेड नेशन को शांति सेना भेजनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व को मेंटेन करता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसके पास अपनी एक सेना है। जो सेना यहां पर कहीं युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती वहां पर डिप्लॉय की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और फिर यहां पर शांति स्थापित की जाती है। इस सेना में सभी इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं अपना अपना योगदान देते हैं, सबसे ज्यादा योगदान भारत का रहता है। तो यहां पर पियर्सन ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया, सुएज नहर वाले, सुएज कैनाल वाले, और यहां पर शांति सेना को यहां पर स्थापित करने की मांग कर दी गई। जब यहां पर शांति सेना भेजी गई नवंबर 1956 में, तब यहां तनाव कम होगा, और जब यहां पर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ने अपनी सेना भेजी थी, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, जिससे यहां पर एक युद्ध की स्थिति समाप्त होगी। इसीलिए पियर्सन को यहां पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले जो व्यक्ति हैं, ये आपके पोलैंड के हैं, लेक बालेशा। इन्हें इन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के तौर पर 1990 से लेकर 1995 तक कार्यकाल संभाला, और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आप पाएंगे पोलैंड में 1983 में मुक्त ट्रेड यूनियनों और मानवाधिकारों के अहिंसक संघर्ष चल रहे थे। इसी संघर्ष को, पहले ही हिंसक संघर्ष था, इनके द्वारा इस संघर्ष को अहिंसक संघर्ष में परिवर्तित किया गया, इसका नेतृत्व किया गया। इसी नेतृत्व के कारण इन्हें मानवाधिकार के रक्षण के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे आप आएंगे तो देखिए, यहां पर आप देखिए लेक बालेशा वर्ष 1926 के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए पोलैंड के पहले राष्ट्रपति होंगे। अगला नाम है यहां पर आंग सान सू की, जो म्यांमार से संबंधित हैं, भारत के पड़ोसी। इन्होंने 2016 से लेकर 2021 तक म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में कार्य किया है। म्यांमार में स्टेट काउंसलर को आप वहां के प्रधानमंत्री के समकक्ष मान सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के बराबर अधिकार, उन्हीं के बराबर पावर्स होती हैं। इन्हें भी नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इन्हें क्यों नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया? उसका रीजन था 1991 में म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए इन्होंने अहिंसक संघर्ष किए थे। किसी भी प्रकार का इन्होंने हिंसक संघर्ष ना करके अहिंसक संघर्ष किए थे, इसलिए 1991 में इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए स्थिति क्या थी म्यांमार भी 1998 के समय, यहां पर एक जनरल थे जनरल जुंटा जो तानाशाही शासन के अंतर्गत रूल कर रहे थे म्यांमार पर, इन्हीं की सत्ता को चैलेंज किया था आंग सान सू की ने और 1988 में एक लीग का गठन किया जिसका नाम था एंटी जुंटा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस लीग की स्थापना करती है जिसका उद्देश्य था जुंटा के तानाशाही शासन को स्थापित यहां पर खत्म करना। 1990 में यहां पर आप देखेंगे चुनाव कराए जाते हैं और जो म्यांमार में पार्टी थी आंग सान सू की, इस पार्टी को संसद की 85% सीटें प्राप्त होती हैं, लेकिन जुंटा यहां पर जो तानाशाह थे उनके द्वारा आंग सान सू की सत्ता को चैलेंज किया जाता है, इनकी सत्ता मानने से इनकार कर दिया जाता है और इन्हें लेकर क्या कर दिया जाता है, जब यहां पर विरोध प्रदर्शन होंगे तो जुंटा के द्वारा आंग सान सू की को नजरबंद कर दिया जाएगा। और ये फिर 1989 से लेकर 2010 तक का जो पूरा आपका कार्यकाल होगा इसमें लगभग 15 वर्ष तक क्या होगा, नजरबंद ही अपना जीवन व्यतीत करेंगी। फिर 2015 में यहां पर म्यांमार में चुनाव होते हैं और यहां पर आंग सान सू की पार्टी विजय होती है, वे म्यांमार के लोकतंत्र के रूप में चुनी जाती हैं, ठीक। और 2021 में यहां पर फिर से तख्ता पलट होगा म्यांमार में तथा आंग सान सू की के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे तथा इन्हें 27 साल की सजा दे दी जाएगी जो वर्तमान में अभी भी ये जेल में बंद है। यहां पर फिर से सैनिक कानून लगा दिया गया है, इसीलिए इन्होंने जो 1988 में शांतिपूर्ण आंदोलन करके सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया था इसीलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। अगले व्यक्ति इनका नाम तो आप जानते ही होंगे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इनका जो समय काल था 1918 से लेकर 2013 इनका समय काल था और यहां पर ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। अब इनके अगर हम बात करते हैं तो 1994 से 1999 के बीच में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला और इन्हें 1993 में क्या है यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, तो देखिए इन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों? 1993 में नेशनल मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण समाप्ति एवं लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की नई नींव रखी थी। यहां पर रंगभेदी के खिलाफ विरोध हो रहे थे, इस शांतिपूर्ण विरोध का इन्होंने नेतृत्व किया और एक नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी और खुद चुनाव जीते, इसलिए इन्हें यहां पर क्या है, इसलिए यहां पर इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें नेशनल मंडेला जी की तो इनका दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में काफी योगदान है, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफी योगदान है। इन्होंने 1943 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अलगाव की नीति से लड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और यहां पर देखिए तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ इन्होंने साजिश रचने के आरोप में 1962 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास भेज दिया गया, ठीक। फिर 27 वर्ष बाद जेल से इन्हें बाहर निकाला गया, 1990 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। फिर उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति तक पहुंचे। अगले जो व्यक्ति होंगे ये होंगे आपके पूर्वी तिमोर के जोस रामेश होटा। इन्हें अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में 2022 से पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 2007 से लेकर 2012 के बीच में भी रामोस होटा ने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। जो आपका तिमोर है ये दो भागों में बटा था, पूर्वी तिमोर पश्चिमी तिमोर, इसका एक अलग इतिहास है जिसको हम बताते हैं। इन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया? 1996 में जो
रोमेश होटागो पूर्वी तिमोर में संघर्ष या फिर शांतिपूर्ण समाधान के लिए यहां पर उनके प्रयासों के लिए कार्लोस फिलिप जिनिसिल बेला के साथ नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तिमोर द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और इंडोनेशिया द्वीप के सुला बेसी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है तिमोर द्वीप? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और इंडोनेशिया के द्वीप है, ये क्या सुला बेसी, उस द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्लियर, ये देखिए ये है आपका तिमोर, इंडोनेशिया के यहां पर स्थित दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दिखाई देगा, ठीक उत्तर में दिखाई देगा। अब देखिए औपनिवेशिक शासन काल के दौरान डेनमार्क और पुर्तगाल के द्वारा तिमोर को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित किया गया तथा 1949 तक यहां पर डेनमार्क और पुर्तगाल ने ही इसके ऊपर दो भागों में बांटकर शासन किया, एक एक भाग इन्होंने ले लिया था। वर्ष 1949 में पश्चिमी तिमोर औपचारिक रूप से इंडोनेशिया के स्वतंत्र होने के साथ ही उसमें मिल गया, जबकि पूर्वी तिमोर 1975 तक पुर्तगाल के नियंत्रण में ही बना रहा। वर्ष 1975 में यहां पर इंडोनेशिया ने पूर्वी तिमोर को भी अपने कब्जे में ले लिया, पुर्तगाल को यहां से भगा दिया। ठीक है, अब देखो पूर्वी तिमोर को इंडोनेशिया ने मुक्त कराने के लिए 20 वर्षों तक एक आंदोलन किया गया, जिसमें जो यहां पर राष्ट्रपति है जोस रामोस होटा ने शांतिपूर्ण तरीके से इंडोनेशियाई शासन से पूर्वी तिमोर को आजाद करवाने के लिए संघर्ष किया, 2002 में इसे स्वतंत्रता मिलती है। पूर्वी तिमोर 21वीं सदी का पहला नया संप्रभु राष्ट्र बना है, अगर पूछा जाए आपसे तो यह बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नोबल पुरस्कार की, तो 1895 में रासायनिक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने अपनी वसीयत के जो पैसे थे उसको यहां पर क्या किया, नोबल पुरस्कार के तौर पर गठित किया। ठीक, तो किसके द्वारा किया गया, अल्फ्रेड नोबल के, ये अल्फ्रेड नोबल वही है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, अब देखो ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं, पहले ऐसे पद्धति थी कि अपने जीवन काल में अगर किसी व्यक्ति ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया है तो उसे नोबल दिया जाएगा, लेकिन फिर इसमें संशोधन किया गया और कहा गया पिछले एक वर्ष में जिस व्यक्ति ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया होगा उसे नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नोबल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, फिर चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति, इन क्षेत्रों में यह नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबल पुरस्कार को वैश्विक स्तर पर काफी सम्मान प्राप्त, काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार भी माना जाता है, कई सारे भारतीयों को मिला है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। अब देखिए इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक हरा स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना प्रदान की जाती है। स्वीडिश क्या, क्रोना जो है स्वीडिश की मुद्रा है। ठीक है, पहला नोबल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। अब बात करेंगे ऐसे भारतीयों की जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान दिया है उसके लिए इन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला भारतीय जो नोबल पुरस्कार प्रदान करेगा सी वी रमन थे, इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबल प्रदान किया गया था, इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन पर उनके शोध और उनके नाम पर रखे गए प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव जिसे कहा जाता है। फिर हरगोविंद खुराना जी को 1968 में नोबल दिया गया, इन्हें मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए नोबल दिया गया, इन्होंने आंशवक कोडिंग और प्रोटीन उत्पादन में क्या किया इनकी भूमिका को देखते हुए नोबल दिया गया। फिर अगला नोबल 1979 में मदर टेरेसा को दिया जाता है शांति के लिए, इन्होंने मानवता के लिए जो कार्य किए हैं इसके लिए दिया गया। अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबल दिया जाता है, इन्होंने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को और उनकी सैद्धांतिक जो जांच थी उसके लिए इन्हें नोबल दिया गया। अगला नोबल अल्बर्ट सेन को दिया गया 1998 में अर्थशास्त्र का, इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया था। फिर अगला 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया,
रसायन विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम संरचना और उनके कार्य के लिए यह नोबल इन्हें प्रदान किया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबल दिया गया। यह शांति के लिए इन्हें नोबल प्रदान किया गया था। इन्होंने बच्चों और युवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और खासकर छोटे बच्चों का जो यहां पर उत्पीड़न होता था उसको लेकर आंदोलन चलाया है। बचपन बचाओ इनके एनजीओ का नाम है। फिर हाल ही में अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबल दिया गया है। इन्हें और इनकी पत्नी को और एक अन्य व्यक्ति को, इन तीन लोगों को एक साथ नोबल दिया गया था। इन्हें विश्व गरीबी को कम करने के लिए उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए यह नोबल प्रदान किया गया। तो ये मुख्यतः नोबल पुरस्कार विजेता थे जो भारतीय थे। इससे पहले हमने बात की ऐसे नोबल पुरस्कार विजेता जिन्हें नोबल पुरस्कार ही प्राप्त है और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफी योगदान भी दिया है। ये लेक्चर आपको क्लियर अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, चैनल लाइक कीजिए। इस प्रकार के और भी अन्य वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ। थैंक यू। जय हिंद।